वायरसेस के टॉपिक लेना है भाई। एक एक वीडियो में मैं लूंगा फंजाई, एक में वायरस। वायरस छोटा है, बीच में निकाल देता हूँ। फंजाई तो कंटिन्यू चल ही रही है, जो दोनों दोनों की वीडियो बनाऊंगा, वायरस की भी फंजाई की भी, जो दोनों आएंगे अब की बार। जो है सबसे पहले वायरस का मीनिंग क्या होता है, वायरस हम बोले दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्या होती है न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अच्छा वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा मिलता है, या तो मिलेगा डीएनए या मिलेगा आरएनए, बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स विच कंट्रोल बॉडी कैरेक्टर। जो बॉडी करेक्टर को कंट्रोल करे उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जो बॉडी करेक्टर कंट्रोल करे। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल एक ही मिलेगा, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बॉडी करेक्टर को डीएनए भी कंट्रोल करे आरएनए भी करे, ऐसा नहीं मिलेगा वायरस के अंदर। ये मीनिंग था वायरस जो है, नाम जो है, नेम वायरस वाज गिवन बाई, वायरस नाम दिया था, नेम वायरस वाज गिवन बाई लुईस पाश्चर। वायरस नाम लुईस पाश्चर ने दिया था। लुईस पाश्चर, पाश्चर ने और क्या किया था, पाश्चर आल्सो गेव एंटी रेबीज वैक्सीन। पागल कुत्ते को काटने वाली जो वैक्सीन है, टीका है, पाश्चर ने डिस्कवर किया था। जो गेव की जगह डिस्कवर्ड, पागल कुत्ते के जो 14 इंजेक्शन है वो लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किए थे। जो तुम बोलोगे कि वायरस का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वायरस वायरस फैल रहा है पूरी दुनिया में, जो कोरोना वायरस, ये इन्फॉर्मेशन तो काम की होगी, सारा चैप्टर जो वायरस का है ये पूरा पढ़ेंगे हम, ताकि क्या चीज़ होती है वायरस, जो है कोरोना वायरस की पूरी नॉलेज हो जाएगी अगर ये वायरस पढ़ लोगे तो। जो तो वायरस किसके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, और इनमें न्यूक्लिक एसिड बॉडी करेक्टर कंट्रोल करता है, या तो इसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है। जो पहला वायरस लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था। अच्छा वायरस डिस्कवर नहीं हुआ, नाम दिया था पाश्चर ने, फर्स्ट वायरस की डिस्कवरी, फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय इवेनोस्काई। पहला वायरस इवेनोस्काई ने डिस्कवर किया था इन टोबैको प्लांट अफेक्टेड बाय मोजेक डिजीज। वायरस जो है तंबाकू के पेड़ में डिस्कवर हुआ था, और तंबाकू में मोजेक बीमारी हो रखी थी। मोजेक का मतलब स्पॉटेड लीफ, मोजेक बीमारी में पत्ते पर स्पॉट स्पॉट होते हैं, मोजेक बीमारी में। तो इवेनोस्काई ने तंबाकू के अंदर देखा, क्या की देखा, तंबाकू में कैसे डिस्कवर हुआ, ये टोबैको प्लांट है और इसमें डिजीज है, बीमारी है। दूसरा तंबाकू का पेड़ है, नॉर्मल है, इसमें मोजेक बीमारी है। इवेनोस्काई ने क्या देखा कि यहां का एक्सट्रैक्ट, तंबाकू के पेड़ का कुछ पानी सा निकाल के नॉर्मल तंबाकू के पेड़ पर डाल दे तो इसमें बीमारी हो जाएगी। जिस तंबाकू के पेड़ में बीमारी है वायरस की,
उसका केमिकल, उसका लिक्विड निकाल के अगर टोबैको नॉर्मल पे डाल दे तो उसमें बीमारी हो जाती है, और वो जो एक्सट्रैक्ट था उसमें वायरस है, कंटेन वायरस, इस तरह से वायरस, उसने कहा वायरस होता है इस एक्सट्रैक्ट में जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गया और बीमारी कर रहा है जो। अच्छा, एक साइंटिस्ट है बीजरनेक, उसने इस फ्लूड को क्या कहा जो तमाकू से, एक तमाकू से दूसरे तमाकू में डाल देते, इस फ्लूड को कहा, बीजरनेक कॉल्ड दिस फ्लूड कंटाजियम विवम फ्लूडम, इस फ्लूड को कहा कंटाजियम मतलब जो बीमारी फैला दे, फ्लूड मतलब लिक्विड, जो लिक्विड बीमारी फैला दे, इस तरह से वो डिस्कवर हुआ। अच्छा, पहली वैक्सीन जो थी इस दुनिया में, फर्स्ट वैक्सीन, पहली वैक्सीन इस दुनिया में थी, फर्स्ट वैक्सीन वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इस बीमारी में पहली वैक्सीन इस दुनिया में स्मॉल पॉक्स की बीमारी की थी, जो है पहली वैक्सीन जो इस दुनिया में थी स्मॉल पॉक्स की थी, फर्स्ट वैक्सीन वाज स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज, पहली वैक्सीन इस दुनिया में स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ थी, जो चेचक बोलते हैं, चेचक की वैक्सीन, पहली बीमारी जो वैक्सीन से खत्म हुई थी वो चेचक थी। चेचक बीमारी इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा फैल गई थी, बहुत लोग मर रहे थे, जो जिस तरह से आज कोरोना से मर रहे उस तरह स्मॉल पॉक्स से बहुत लोग मर रहे थे, अंधे हो रहे थे, बुरा हाल हो रहा था। तब ये साइंटिस्ट निकल के आया था, कौन, एडवर्ड जेनर, ये डॉक्टर था एडवर्ड जेनर, और ये निकल के आया और इसने पहली वैक्सीन इस दुनिया में डिस्कवर की, और वो बीमारी कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स बीमारी थी। पहली वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ डिस्कवर की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी जो। अच्छा, कुछ वायरस होते हैं, सम वायरस पसल्स आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और इस आरएनए से डीएनए बन सकता है, फ्रॉम दिस आरएनए डीएनए इज फॉर्म, आरएनए होता है उससे डीएनए बना लेता है, फ्रॉम दिस आरएनए डीएनए इज फॉर्म, ऐसे वायरस को हम रिट्रो वायरस बोलते हैं। सच वायरसेस आर कॉल्ड रिट्रो वायरसेस। इन वायरस की डिस्कवरी, दीज वायरसेस आर कॉल्ड, दीज वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, इन वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, तो हम बोलेंगे टेमिन साइंटिस्ट ने रिट्रो वायरस की डिस्कवरी की थी जो। चल, वायरस, नया जो वायरस बनता है, इनएक्टिव नया वायरस होता है, उसको वीरियन बोलते हैं, न्यूली फॉर्म इनएक्टिव वायरसेस आर कॉल्ड वीरियन, जो वायरस नए नए बनते हैं उनको वीरियन बोलते हैं। वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड फेजेस, वायरस को फेज भी बोलते हैं, कौन से टाइप के फेज होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फेजेस आर, कौन से टाइप के फेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज, ये वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, दिस वायरस अटैक ऑन बैक्टीरियाज, वायरस बैक्टीरिया दुनिया को बीमारी करता है, बैक्टीरिया दुनिया को बीमारी करता है, और वायरस बैक्टीरिया को ही तोड़ देता है, जो वायरस बैक्टीरिया अटैक करे उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। माइकोफेज, माइको मतलब फंगस होता है,
तो जो वायरस फंगस पर अटैक करे, फंगस भी बीमारी करता है लेकिन वायरस फंगस पर भी अटैक करता है। फाइकोफेज, फाइको एल्गी को बोलते हैं। डीज वायरस अटैक ऑन एल्गी, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करती, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है। जाइमोफेज, ये वायरस अटैक करेंगे ऑन ईस्ट, जाइमोफेज ईस्ट पर अटैक करेंगे। साइनोफेज, ये वायरस अटैक करेंगे साइनोबैक्टीरिया पे या ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर। कोलाइफेज, ये वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया पर, बैक्टीफेज की टाइप है कोलाइफेज, ई कोलाई पर अटैक करेंगे, ये अटैक ऑन ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके अलावा फाइटोफेज, ये वायरस पेड़ों में बीमारी करेंगे। डीज वायरस काज डिजीज, ये पेड़ों में बीमारी करेंगे। जो जूफेज, ये वायरस बीमारी करेंगे एनिमल में। तो कोरोना वायरस कौन सी कैटेगरी का है? जूफेज है, ये जानवरों में बीमारी करता है, इंसानों में बीमारी करता है, पेड़ों में बीमारी नहीं करता। अच्छा, जो वायरसेस होते हैं वो उसमें जेनेटिक मटेरियल इन इन टाइप का होता है। वायरसेस में डीएनए हो सकता है डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड। वायरसेस जो होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड मतलब दो धागे से, या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है वायरस के पास। वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। और डीएनए भी सिंगल डबल स्टैंडर्ड हो सकता है वायरस के पास, आरएनए भी सिंगल डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। एग्जांपल, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो बैक्टीरिया बैठे कहते हैं उनके पास सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। प्लांट वायरस, जो वायरस पेड़ों पर बीमारी करते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है प्लांट वायरस। जो एनिमल वायरस होते हैं इनमें दोनों हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। इवन डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। एनिमल वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए दोनों मिल सकते हैं एनिमल वायरस में, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है जो। अच्छा, उस एनिमल का वायरस हो गए, उस प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एक्सेप्शन। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, फूल गोभी का वायरस है जिसमें एनिमल की तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, होना चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेकिन ये एक्सेप्शन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके पास। तो वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, लगभग के पास यही होगा,
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। एनिमल वायरस का नाम बताओ जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। एनिमल का वायरस का नाम बताओ जिसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसका नाम है, नेम जो है रियो वायरस, जो दस्त लगाता है, वाउंड ट्यूमर वायरस, वाउंड मतलब घाव, ट्यूमर ट्यूमर कर देता है और घाव कर देता है। रियो वायरस में दस्त लगा देता है, वाउंड ट्यूमर वायरस घाव कर देता है, ट्यूमर कर देता है। जो इसमें क्या होता है, इन दोनों वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये दोनों वायरस जूफेज है, दोनों वायरस जो है जूफेज है। ये दस्त लगाता है, रियो वायरस वाउंड ट्यूमर कैंसिल करता है, दोनों वायरस जूफेज है, एनिमल पर अटैक करते हैं, एनिमल वायरस है, दोनों में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जो तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस हो गए। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किस किस वायरस के पास, कौन सा एनिमल वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, पोलियो वायरस, जुखाम का इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज पागल कुत्ते वाला रेबीज वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस कई टाइप की होती है, ए सी डी ई। हेपेटाइटिस बी जो है वो उसमें तो डीएनए होता है, हेपेटाइटिस ए सी डी ई है। हेपेटाइटिस पांच टाइप की होती है, ए बी सी डी ई, लीवर की बीमारी है ये। हेपेटाइटिस बी जो है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और सारे वायरस जो बच गए, हेपेटाइटिस बी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सारों में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो एनिमल वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले मैंने दो लिख दिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले लिख दिए मैंने, डबल स्टैंडर्ड के सारे बच गए। जो चलो एक बच गया, फिर कौन सा बच गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मैंने बता दिया, बैक्टीरियोफेज भी है एनिमल भी है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ मिलता है, एनिमल वायरस में भी और बैक्टीरियोफेज के अंदर भी। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मैंने बता दिया, प्लांट वायरस, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बता दिया। क्या बच गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का वायरस बच गया, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। इसका एग्जांपल है 5x174 वायरस और ई कोलाई पर अटैक करने वाला कोलाई फेज एफडी, कोलाई फेज MS2। मैंने क्या कहा, वायरस जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, एनिमल वायरस में, बैक्टीरियोफेज में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ मिलता है, प्लांट के अंदर, और एनिमल के ये वायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये एनिमल वायरस में मिलता है, रियल वायरस वाउंड ट्यूमर वायरस। यूं याद रख लेना, प्लांट के वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और एनिमल में तीनों हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर तीनों हैं। प्लांट के वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़कर बाकी के तीन बच गए वो एनिमल वायरस में है। नाम बताओ जहां आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो और एनिमल एनिमल के अंदर है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नाम बताओ। तो मेरे रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस, ये बच गया। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहां होता है, इन वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5x174 कोलाई फेज एफडी, कोलाई फेज MS2, इधर ले लिया था मैंने, लिया था। तो वायरस के ये जेनेटिक मटेरियल है। जो अब लेते हैं, वायरस को किस किंगडम में रखते हैं, वायरसेस आर नॉट प्लेस्ड इन एनी किंगडम। पांच किंगडम थे, उनमें वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखते हैं। क्यों, किंगडम लिविंग चीजों के होते हैं, वायरस तो
लिविंग नॉन लिविंग का बीच का है, वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखते, वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते वायरस को किसी भी किंगडम में? वायरस को किसी किंगडम में नहीं रखते बिकॉज दीज आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है। वायरस जिंदा भी नहीं है, मरा हुआ भी नहीं है। चलने दो, चलने दो। वायरस जो है को किसी भी किंगडम में नहीं रखते क्योंकि किंगडम जिंदा चीजों के होते हैं, ये तो जिंदा लिविंग भी नहीं है नॉन लिविंग है, बीच का है, इसलिए इसको क्यों रखेंगे किसी किंगडम में? जो वायरस को किसी भी किंगडम में क्यों रखेंगे? क्योंकि तो ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, इसलिए इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखेंगे। जो चलो किसी भी किंगडम में नहीं रखेंगे क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग के बीच का है। क्यों है इसको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? वायरस को नॉन लिविंग क्यों, निर्जीव क्यों बोलते हैं? डेड नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? तो नॉन लिविंग करेक्ट बता रहा हूं, वायरस नॉन लिविंग इसलिए, सुनो, नो प्रोटोप्लाज्म, वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं न्यूक्लियस को प्लस साइटोप्लाज्म को। वायरस में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म नहीं है, यानी प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। वायरस के पास न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग चीजों मिलता है, ये इसके पास नहीं है, इसलिए नॉन लिविंग है। नो एटीपी, नो रेस्पिरेशन, वायरस रेस्पिरेशन नहीं करते जो, क्योंकि लिविंग चीज रेस्पिरेशन करती है, ये रेस्पिरेशन नहीं करती, इसे नॉन लिविंग है। नो एटीपी, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं जो। जा एनर्जी, वायरस के पास एटीपी नहीं बनते जो, लिविंग चीजों के पास एटीपी होते हैं जो। वायरस पसस हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है केमिस्ट्री फिजिक्स में वाले सर से पूछ लेना जो। तो नॉन लिविंग चीजों की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसकी भी ज्यादा, इसलिए नॉन लिविंग है। वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस के क्रिस्टल बना सकते हैं, नॉन लिविंग चीजों के क्रिस्टल बनते हैं, लिविंग के नहीं जो। वायरस जो होते हैं वो बॉडी के बाहर रिप्रोडक्शन नहीं करते, नो रिप्रोडक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर पड़े हुए हैं जैसे कोरोना वायरस या कोई भी वायरस बाहर पड़ा हो तो पड़ा ही रहेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, मिट्टी में हवा में पानी में ऐसा पड़ा होता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता। अगर बॉडी के अंदर चला जाए फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, तो बॉडी के बाहर वायरस, तो कोरोना वायरस क्या है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है उसमें, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म नहीं, सेल नहीं है, वो सांस नहीं लेता वायरस, एनर्जी के लिए इसके पास कुछ नहीं होता है, सब हमारे शरीर में घुस के एटीपी यूज करता है, इसे क्रिस्टल बना सकते हैं और बॉडी के बाहर रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इसलिए नॉन लिविंग है जो। ये लिविंग कैसे बोलते हैं, वायरस को लिविंग क्यों बोलते हैं, कौन सा करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वायरस? पहला, इसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वायरसेस जो होते हैं उनमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डीएनए हो चाहे प्रोटीन हो, वायरस के पास लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। वायरस के पास डीएनए प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो, वायरस के पास बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वायरस में म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन डीएनए, डीएनए या आरएनए में चेंज, वायरस में डीएनए आरएनए में चेंज होता है, म्यूटेशन लिविंग चीजों में मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसलिए ये भी लिविंग है। वायरस में डीएनए में चेंज, आरएनए में चेंज, वायरस एवोल्यूशन शो करता है, और एक बात याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूटेशन शो करता है एचआईवी वायरस, एड्स वायरस सबसे ज्यादा म्यूटेशन करता है एचआईवी वायरस, और उसके बाद जुकाम वाला वायरस भी म्यूटेशन शो करता है। सुनने में आ रहा है कि कोरोना वायरस भी चेंज होता रहता है जो, इसलिए इसकी वैक्सीन बनने में दिक्कत आ रही है जो, क्योंकि तो चेंज हो जाता है हर बार कुछ समय के बाद में जो।
तो वायरस एवोल्यूशन भी शो करता है, आज जैसा वायरस कोई वायरस है तो जरूर नहीं 1000 साल के बाद वैसा ही रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन होता है। तो ये लिविंग चीजों में होता करेक्टरिस्टिक ये वायरस शो करते हैं जो, और क्या करते हैं वायरस इनके अलावा, वायरस के अंदर विटामिन भी मिली है, वायरस सम वायरस कंटेन विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन विटामिन है, वायरस के पास राइबोफ्लेविन विटामिन है, बायोटिन विटामिन है, वायरसेस के पास विटामिन होती है राइबोफ्लेविन बायोटिन, ये विटामिन है वायरस के पास राइबोफ्लेविन बायोटिन। तो ये तो लिविंग चीजों मिलनी चाहिए, मिल रहे हैं। कुछ वायरस के पास एंजाइम भी है, सम वायरसेस कंटेन एंजाइम्स, जैसे कौन सा एंजाइम है वायरस के पास, लाइसोजाइम, दुनिया का स्लोएस्ट एंजाइम होता है लाइसोजाइम, हमारे आंसू में होता है। वायरस हमारी अगर आंख के, बैक्टीरिया अगर हमारी आंख से जाए तो मार देगा, ये एंजाइम मार देगा लाइसोजाइम, आंसू में होता है। मुंह से जाएगा तो सलाइवा में लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे आंख के अंदर भी है, मुंह के अंदर भी है, आंख के अंदर लाइसोजाइम है, मुंह के अंदर लाइसोजाइम है, नाक के अंदर लाइसोजाइम है अगर बैक्टीरिया अंदर जाएगा। लेकिन वायरस को मारने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस नाक और मुंह से फैल रहा है, क्योंकि नाक के पानी, मुंह के पानी और आंख के पानी बैक्टीरिया को मार सकते हैं, वायरस को नहीं मार सकते। जो तो वायरस में लाइसोजाइम होते हैं, ये एंजाइम है कुछ, तो एंजाइम होना लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टरिस्टिक है, लिविंग है इसलिए इनमें ये एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बाद में कराऊंगा मैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है आरएनए से डीएनए बनाता है, कुछ वायरस रिट्रोवायरस के अंदर ये मिलता है, जो जिस एंजाइम रिट्रोवायरस होते हैं उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए से डीएनए बनता है, तो वहां ये एंजाइम होता है जो, तो वायरस के पास ये भी एंजाइम होते हैं जो। और वायरस बॉडी के अंदर घुसते के साथ रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, वायरस रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी या इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिससे रिप्रोडक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर जो। इसके अलावा वायरस जो होते हैं, इसको देखो, वायरस जो है, वायरस को हम कल्चर नहीं कर सकते, वायरस आर नॉट कल्चर्ड, वायरस को हम बाहर सॉल्यूशन में ग्रो नहीं करते, लेकिन लिविंग सेल हो फिर वायरस रख दे तो कल्चर हो जाएगा। वायरस आर नॉट कल्चर्ड, लेकिन लिविंग सेल रख दे, ह्यूमन सेल रख दे फिर वायरस बाहर कल्चर हो जाएगा, बट इन लिविंग सेल इट इज कल्चर्ड। अच्छा, जो वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच के थे इसलिए दोनों कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े हैं जो। और वायरस जो है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम ले रहा हूं, वायरस का बैक्टीरियोफेज डायग्राम, बैक्टीरियोफेज ऐसा होता है जो, ऐसा होता है वो बैक्टीरिया अटैक करने वाला वायरस ऐसा होता है, ऐसे ये है डीएनए, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है, आरएनए नहीं मिलता। इसके बाहर ये जो कवरिंग है इसको कैप्सिड बोलते हैं, इसका जो हेड है प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं, वायरस में जो प्रोटीन कोट होती है, वायरस में प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। ये हेड है, ये कॉलर है, जैसे शर्ट में कॉलर होता है उस तरह कॉलर है, और इसका टेल लगी होती है, और एंड प्लेट है, इसमें एंड प्लेट पे पिन भी लगी होती है, और लंबे लंबे प्रोंग भी होते हैं, जो प्रोंग फाइबर को बोल रहे हैं, जो नीचे पिन है ऊपर फाइबर है प्रोंग बोलते हैं जो, ऐसा बैक्टीरियोफेज होता है दिखने में।
हेड है, कॉलर है, टेल है और ये है जो। इसके अलावा वायरस जो होते हैं वायरस की प्रोटीन कोट को कहा हमने कैप्सिड, यानी थोड़ी देर 10 मिनट की बात है। वायरस में प्रोटीन कोट होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं प्रोटीन के। पूरी प्रोटीन कोट, कंप्लीट प्रोटीन कोट तो वायरस की कैप्सिड है, सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड की सब यूनिट आर कॉल्ड कैप्सोमियर। प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलेंगे, कैप्सिड में सब यूनिट होंगी उनको कैप्सोमियर बोलते हैं। और कुछ वायरस में कैप्सिड के बाहर कवरिंग होती है, इन सम वायरसेस कैप्सिड इज कवर्ड बाई मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एनवेलप। कुछ वायरस में कैप्सिड के बाहर मेम्ब्रेन है एनवेलप, और एनवेलप की सब यूनिट ऑफ एनवेलप आर कॉल्ड पैपलोमियर। वायरस की प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड के टुकड़ों को कैप्सोमियर बोलते हैं। उसी तरह से कैप्सिड के बाहर मेम्ब्रेन को एनवेलप बोलते हैं, और एनवेलप की सब यूनिट पैपलोमियर होती है। तो ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर थी। अब हम आते हैं कुछ इंसानों की बीमारियां लेते हैं जो वायरस से होती है। सम डिजीज ऑफ ह्यूमन ड्यू टू वायरस, कुछ बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, कौन कौन सी सुनो। पहली है स्मॉल पॉक्स, चेचक। वायरस का नाम है, वायरस नेम वेरियोला वायरस। इस दुनिया में स्मॉल पॉक्स पहले इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में इसकी वैक्सीन डिस्कवर हुई थी। चेचक बोलते हैं, शरीर पे दाने दाने, शरीर में दाने दाने हो जाते हैं, फिर निशान पड़ जाते हैं। तो चेचक के अभी भी कुछ हमारे गांव में भी एक फीमेल है जिसके चेचक के धब्बे हैं स्किन चेहरे पे जो। तो चेचक जो के धब्बे होते हैं स्किन पे पड़ जाते हैं और वो रह जाते हैं, ब्लाइंडनेस या अंधा भी हो जाता है इस बीमारी में जो। कान से पानी निकलने लग जाता है, स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, ब्लाइंड या अंधा हो जाता है, कान से पानी बाहर आने लग जाता है, स्पॉट पड़ जाता है बॉडी के ऊपर। फिलहाल स्मॉल पॉक्स इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक भी आदमी में स्मॉल पॉक्स नहीं है। लास्ट केस इसका सोमालिया में देखा गया था, जो लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस सोमालिया में देखा गया था, और लास्ट केस इसका सोमालिया में देखा गया था स्मॉल पॉक्स का, चेचक का जो। और स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स को इस दुनिया से गायब करने में स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम चले थे, जो स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चले थे, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम चले थे स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए। दूसरी बात चिकन पॉक्स, जितने भी पॉक्स होते हैं इनमें शरीर पर दबे पड़ जाते जो, इसका वायरस जो है, इट्स वायरस इज वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स का वायरस है वेरिसेला जोस्टर, इसमें भी स्किन पे स्पॉट पड़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा जुखाम की भी एक टाइप है जो वायरस से होती है जो। तो इन्फ्लुएंजा जुखाम की जो वायरस है, वायरस का नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस।
वैसे जुकाम का हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ऑर्थोमिक्स वायरस इन्फ्लुएंजा कहते हैं। चौथे पे आते हैं मम्स, कन्फेड बीमारी होती है। इस बीमारी का नाम है इन्फेक्शियस पैरोटाइडिटिस। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा बनाने वाली, थूक बनाने वाली पैरोटिड ग्लैंड है जो, और पैरोटिड की ग्लैंड का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कौन सी ग्लैंड का हुआ है, इसमें पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हुआ है मम्स में, इसलिए इसको पैरोटाइडिटिस बोल देते हैं। और ये बीमारी फैलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस, सलाइवा वगैरह से फैलती है इन्फेक्शियस पैरोटाइटिस। इसका वायरस है पैरामिक्सो वायरस, और वैक्सीन देते हैं मम्स बीमारी में, वैक्सीन बीमारी से पहले दी जाती है, तो बीमारी नहीं होती, दवाइयां बीमारी के बाद दी जाती है, ठीक करने के लिए होती है। तो इसकी वैक्सीन का नाम है MMR, एम का मतलब है मम्स कन्फेड, इसमें स्टरलिटी भी हो जाती है, नपुंसक हो जाता है पर्सन, बच्चे पता नहीं कर पाता, टेस्ट ही सफर्ट हो जाते हैं जो, और स्टरलिटी हो जाती है टेस्ट ही सफर्ट होने से, नपुंसक तो अलग चीज होगी, टेस्ट ही सफर्ट होंगे इसमें जो, स्टरलिटी हो जाएगी जो, और एक बार होने के बाद लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी होती है इसमें, एक बार हो जाती है दोबारा नहीं होती जो, लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी होती है। दूसरी एम का मतलब है मीजल, और आर का मतलब रूबियोला। मीजल बीमारी भी जो होती है, इस पर भी शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये MMR वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं MMR वैक्सीन देते हैं वायरल डिजीज से बचाने के लिए, कभी आगे फ्यूचर में वायरल डिजीज ना हो, जैसे मम्स मीजल रूबियोला ये वायरस बीमारी ना हो जो। तो इसके अलावा पोलियो का दूसरा नाम है इन्फेंटाइल पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब लकवा हो जाता है, पोलियो बीमारी में पैरालिसिस या लकवा हो जाता है, बच्चों की बीमारी है, पोलियो बीमारी में लकवा हो जाता है, बच्चों की बीमारी है, लंगड़ा हो जाता है आदमी जो है, चल नहीं पाता जो है, इसमें न्यूरोन अफेक्ट होते हैं, जो न्यूरोन अफेक्ट होते हैं, इसके लिए वैक्सीन जो आज वो जो है दो बूंद जिंदगी की डालते हैं, पोलियो की वैक्सीन जो देते हैं ताकि कभी फ्यूचर में पोलियो ना हो, कोरोना के लिए भी ऐसे वैक्सीन ढूंढनी जा रही है जो, तो पोलियो ना हो इसलिए वैक्सीन दी जाती है पोलियो वैक्सीन। तो साक साइंटिस्ट की वैक्सीन, दो टाइप की वैक्सीन जो है दी जाती है पोलियो में, एक साक वैक्सीन होती है, एक सेबिन वैक्सीन होती है जो, साक वैक्सीन में इंजेक्शन लगता था, साक साइंटिस्ट ने बताया, पोलियो वैक्सीन का फादर साक है। सेबिन वैक्सीन जो है ओरल वैक्सीन, मुंह से बूंद दो बूंद डालते हैं, वो सेबिन साइंटिस्ट ने बताई थी जो, तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, लैट्रिन वगैरह के थ्रू पोलियो फैलती है जो, क्योंकि पोलियो वायरस एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में एंट्री मारता है जो। हेपेटाइटिस कई टाइप की, पांच टाइप की है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, लीवर अफेक्ट होता है, ये डीएनए वायरस से है, और हेपेटाइटिस ए जो है वो डीएनए वायरस से है, और बाकी की आरएनए वायरस से होती है, लीवर अफेक्ट होता है इसमें जो। इसके अलावा रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होती है, बंदरों के काटने से हो जाती है रेबीज। इस बीमारी का दूसरा नाम है वायरल डिजीज है, अभी बताया था कि रेबीज की टीका जो है लुईस पाश्चर, जो फ्रांस का साइंटिस्ट था, उसने बताया था। रेबीज बीमारी का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से बहुत डर लगता है रेबीज में जो, रेबीज बीमारी में पानी से डर लगता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया बीमारी बोलते हैं रेबीज। और रेबीज के अलावा पोलियो भी हो गया, रेबीज भी होगी, वायरल डिजीज H1N1, स्वाइन फ्लू दिल्ली में कितनी फैलती थी जो, ये वायरल डिजीज है।